ओम नमः शंभवाय चिन्मयो भवाय नमः शंकराय चिन्मयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय ओम नमो नमो नमः बस आ गया बेटा, तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। सेवा समिति का काम ही ऐसा है, शहर में हैजा जो फैला हुआ है, तुम लोगों को छोड़कर अगली गाड़ी से फौरन मुझे जलगांव जाना है। माई, कमला देवी का मकान वो रहा, कमला देवी। कमला देवी, कमला, बैठो बच्चों, तुम्हारे चाची पानी वानी भरने गई होगी, आ जाइए आ जाइए। बच्चों, अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना है। ये ले लो, अपने चाची को दे देना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ। हाँ, रोना नहीं। अरे हाँ, ये ले लो, कुछ खा पी लो। शाबाश। तुम लोग बाबा, इन बच्चों के बाप को पिछले महीने काले पानी की सजा हो गई। इनकी मां हैजे से मर गई, इसलिए यह सेवा समिति का आदमी इन्हें आपके यहां छोड़ने आया।
तुम्हारा चाची अभी आएगा। हाँ तुम लोग कुछ खाएगा? खाएगा कुछ? क्यों बे, दारू सप्लाई के ये किसके बच्चे खिला रहा है मेरे दरवाजे पे? अब ये तुम्हारा बच्चा है कमला। मेरे बच्चे? देखो तो कितना खूबसूरत बच्चा है, बड़ा होकर खूब तुम्हारा खिदमत करेगा। इनको अपना ही समझना है कमला। क्यों नहीं, मेरे जेठ जी के बच्चे हैं। शाबाश कमला, शाबाश, आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ क्यों, ये बच्चा लोग जो आ गया इसलिए? हाँ? अरे नहीं, हाँ? इनका बाप काले पानी चला गया इसलिए आज खुश हूँ। इनकी माँ हैजे से मर गई इसलिए आज खुशी का दिन है। लेकिन अफसोस तो ये है कि इनको साथ क्यों नहीं ले गई। कमला क्या बोलता है तू? ठीक बोलता है, जब मेरा मर्द मर गया था तो इन लोगों के बाप ने मुझे गंदी नालियों में रुलने के लिए घर से निकाल दिया था, और आज मेरे ही दरवाजे पे आए। वाह अच्छा। नहीं नहीं कमला, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि आज तुम किसी अच्छा आदमी का मुंह देखा। आज सवेरे मैंने तेरा ही थोबड़ा देखा था। हम कोई खराब आदमी तो नहीं है? तू तो देवता है, दारू बेचने वाला दारू, और तू देवी है, इज्जत बेचने वाली। देख कमला, हमको खाली पीले गुस्सा मत दिलाओ। अबे जा, बड़ा आया गुस्से वाला। कमला भगवान ने अच्छा दिन दिखाया, दो खूबसूरत बच्चा दिया, तुम अच्छा बनो, उनको भी अच्छा बना, तुम्हारा हमारा जैसा नहीं। इनको तो जो बनाओगी सारी दुनिया देखेगी। कमला अब तू जाता है या नहीं? जाता जाता। देख कमला मैं बोलता हूँ इनको मारना नहीं। अबे जा तक पूंज के, मारना नहीं। Thank you.
भगवान तुम्हारा भला करेगा साहब, साहब कुछ भी नहीं खाया साहब, सुबह से भूखा है साहब। भैया साहब 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 क्या बाबा धक्का को देता है, गरीब बच्चा है, एक पैसा तो दुआ देगा। एक आना नहीं साहब, दो आना, दो मेहनत का कमाई है, फर्स्ट क्लास इंग्लिश पॉलिश किया है, दो आना नहीं। पैसे के दो मिलेंगे, लेने आ लियो नहीं तो हम चला। ठहरो भैया, बेलू एक पैसे में तीन तो नहीं देगा, तो एक पैसे में चार दे दो। अरे बाबा लेने का लियो ना, खाली पीली बातें मत करो नहीं तो। भैया लो लो भैया। अरे ले बोला, तू भी तो खाना, तू खा ले, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। ओहो क्या नखरे कर रहा है, खा भी ले। अरे बाबा तू खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं तुझे खाना पड़ेगा, ले। अरे बेलू मार। अरे तूने अभी तक बेर नहीं खाया, पगली एक के दो थोड़ी हो जाएंगे। आज तो सात आने और दो पैसे हैं, एक आना को पेड़ के नीचे छुपा देंगे और बाकी पैसे तो चाची को देने ही पड़ेंगे। बेलू मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं है। क्यों? अरे क्या रोज रोज खाली पीली, एक पैसा दो बाबूजी, एक पैसा दो माई बाप, और फिर सब अपन को गाली देते हैं। लेकिन बेलू जब अपने पास एक रुपया आठ आने जमा हो जाएंगे ना, हाँ, तब मैं पॉलिश की दो डिब्बी लूंगा, एक काली एक लाल और एक ब्रश। हाँ हाँ, फिर देखना एक रुपया रोज कमाऊंगा। तूने चुटकू को नहीं देखा कितने पैसे रोज कमाता है पॉलिश करके? वैसे चाची को पता चल गया तो क्या, थोड़ी मार खा लेंगे। अरे मार तो रोज ही पड़ती है, लेकिन चाची को कैसे पता चल? मैं बताऊँ मैं बताऊँ, अपन ये काली सर ब्रश जान चाचा के पास रख दिया। बिलू ले बिलू, गिन तो कितने पैसे जमा हो गए। एक पैसा, एक दो पैसा, एक चार आने। हाँ हाँ बेलू, चाची को भी इसमें से चार आने देने। हाँ हाँ वो मालूम है, चार आने देने, चार आने, पांच आने। ये ले बेलू, दो आने और जमा कर ले। बाबा तूने मेरा सब हिसाब कुछ गड़बड़ कर दिया, ये मुझे नहीं आता, ले तू ही गिन। अरे बोला चिटको आ रहा है, बोला जल्दी देख अपने पैसे चिटको आ रहा है। जहाँ देखो वहीं भिकमंगे मौजूद है। नमस्ते चिटको भैया। नमस्ते, आ गया भीख मांग के? माई बाप एक पैसा, बाबूजी एक पैसा, अबे तुझे और कोई धंधा नहीं मिलता क्या? थोड़े दिन अठैया चिटको भैया, हम भीख मांगना बंद कर रहे हैं, हम भी एक ब्रश और एक पॉलिश खरीदेंगे। हाँ फिर देखना। तो देखना क्या है, मुंह धोने की तमीज नहीं है, दांत अभी इनके निकले नहीं है, और चले बूट और पॉलिश की बातें करने। बेटे नानी याद आ जाएगी, नानी मालूम है मुझे पूरा ऐसा लगा था सीखते सीखते। तो क्या हुआ, भोला भी सीख लेगा? भोला भी सीख लेगा, मजाक समझ रखा है ना, यहाँ तो अपने बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, और ये एक दिन में सीख लेगा। लेकिन बेटे ये ब्रश और पॉलिश के लिए पैसे कहाँ से आए? हमने इकट्ठे किए। नहीं नहीं हमने इकट्ठे नहीं किए। चुप लो, वहाँ झाड़ के पास क्या कर रहे थे अभी? कुछ नहीं, हम लोग खेल रहे थे, खेल रहे थे। देखो कमला जान से नमस्ते कह देना। कमला जान क्या रूप पाया। बोला मैं तुझसे कहती थी ये सब मत बोला कर, जान चाचा कहते थे अच्छा लड़का नहीं है,
अभी से बात नहीं करेंगे बिल्कुल। चल अपन जॉन चाचा के पास चल। कुछ निकला बे बटलू, कुछ नजर तो आता है चाचा। कहा था ना मैंने अक्सर तेल है ये। कम ऑन चालू हो जा। 1 2 3 जॉन चाचा बालिश खत्म हो गई क्या? बालिश खूब चमका दिया बालिश कर करके। अरे बालिश नहीं मालिश करो मालिश। लेकिन जॉन चाचा बाल तो निकले है ना बेटा। चाचा बाल तो, और बिलू बिलू देख देख देख, कल जो यहाँ 2 बाल थे ना आज वो भी साफ हो गए। चाचा बालिश तो कराते हो तुम अपने सिर पे और बाल निकलते हैं तुम्हारे यहाँ से। चुप। अरे चाचा तुम तो करेला रगड़ो करेला। लंबी 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 घास उगेगी। बाजी परेशान करता है हमको। तुम घर जाओ, तुम्हारा चाची तुमको ठीक करेगा। चाची देख लेगी। बोला अभी नहीं, पहले मैं जाता हूँ। नहीं नहीं पहले मैं जाता हूँ। अरे तू पहले मैं जाती हूँ। चुड़ैल भुलवा कहा है? तुम लोगों से कहा था ना 12 बजे से पहले राशन लेके लौट आना। कहा है राशन? तुम्हारी माँ तो सिधार गई और ये मुसीबत मेरे गले में डाल गई। दुनिया के नाते रख लिया वरना फेंक देती दोनों को गटर में। कहा है राशन? मगर राशन कार्ड, तुम्हारा बाप तो काले पानी में गिट्टी फोड़ता है और तुम यहाँ मर्डर गस्ती करते फिरते हो। मर क्यों नहीं जाते? मेरे क्या लगते हो? बिलू, राशन कार्ड। क्या कहा तूने? कुछ नहीं चाची, वो तो मैं यूं ही कर रही थी चाची। क्या कर रही है तुम? खड़ी खुसर 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 थी चाची। आज तो मैं यूं लंगड़ी लूली बन के भीख मांगी थी चाची। तो फिर? फिर चाची मैंने कहा, भाई जी मेरे को भूख लगी है, मेरा पेट भूखा है, मैं लंगड़ी हूँ, मैं अंधी हूँ, मेरे माँ बाप मर गए, भाई जी मेरे को 2 पैसा दे दो, मेरा हाथ टूट गया है। पैसे मिले तूने? नहीं चाची पैसे मैंने फेंक पैसे फेंक दिए तूने? नहीं नहीं चाची, वो एक मोटा सेठ था ना, उसको छीन का तो उसने सब सामान उठा के बाहर फेंक दिया। सामान उठा के फेंक दिया? क्या बक रही है? नहीं नहीं चाची, उसने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक किया, जब भी तो मैं कहती हूँ तुम लोग नठल्ले हो नठल्ले, ठीक से भीख मांगनी भी नहीं आती। चल इधर मैं सिखाओ। तुझे कहा था ना अंधी वन अंधी, आंखें बंद करके पेट पे मार। ए भाई तेरा भला हो भाई, 2 पैसे भाई, 2 पैसे दे दे। बोल भाई जी 2 पैसा दे दो माई, 2 सूखी रोटी खाएगा भाई जी, सुबह से अंधी है। सुबह से अंधी हूँ? क्या बोल रही है? कुछ नहीं चाची, जमाने की अंधी हूँ। नहीं चाची, जन्म की अंधी हूँ। वो गाना याद है तुझे जो सिखाया था? तू झोली उठा, हाथ में होगी आली छोली, मुंह में दुआएं हजार। बोल। हाथ में होगी झोली खाली, मुंह में दुआएं हजार। याद आया? चल सीख जाके। हेलो और सुन, जाके बर्तन उठा के मान। ए ए कहाँ जा रहा है? हम लोग क्या 2 घंटे किया बेकार खड़े? पीछे जा अपने नंबर पर। मुझे खड़ा रहने दो, मुझे राशन चाहिए, नहीं तो चाची मुझे मारेगी। चल चल चाची के बच्चे हट पीछे। राशन बटने में अभी कितनी देर है? क्या अभी कितनी देर है? अरे पास से बोलो नहीं भागना किधर है? अरे बाबा जब तुम काटने को दौड़ते हो तू जेब काटने वाला है तो मैं क्या करूँ? माफ करो बाबा, माफ करो। पूछता है कितने देर बाद जेब कटोगे? जेब कटवाओगे? अरे बाबा क्या कर सकते हैं? अरे बाबा जल्दी ना, देखो पाँव सारी तुमको दिखता भी नहीं है, तुझे
बच्चा तू ही पहला ग्राहक है, तेरा ही हाथ देखूं कितने पैसे हैं तेरे पास। मेरे पास तो सिर्फ दो ही पैसे बाबा जी। हाँ हाँ, दो ही पैसे का भविष्य बताता हूँ, निकाल पैसे। लेकिन बाबा जी। निकाल बच्चा, बैठे बैठे सारा दिन हो गया, कोई आता ही नहीं। निकाल, जल्दी निकाल। अच्छा बाबा, देता हूँ। लो बच्चा, तू आगे बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। बाबा जी, मैंने तो पीछे भी कुछ नहीं पढ़ा। जा भाग जा, खत्म तेरे दो पैसे। बाबा जी, मेरे काम के बारे में। अबे कह दिया ना, भाग जा, दो पैसे में सब कुछ जानना चाहता है। बाबा जी, सिर्फ एक बात और बता दीजिए मेरे काम के बारे में। ला, तू जिंदगी भर जूतियाँ रगड़ेगा, जूतियाँ। सच बाबा जी, मैं जूतियाँ रगूंगा, फुट पॉलिश करूंगा। मार दिया बाप वाले को, दो पैसे वसूल। अब तो अपना धंधा खूब चलेगा बाबा जी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आज बहुत मार पड़ी है ना, तेरे को मेरी वजह से मार पड़ती है। अब से मैं तेरे पत्ते की मार खा लिया करूंगा। देख बेलू, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख, ले खा ले बेलू। क्यों रे भुलवा, आ गया तू? चल डाल कहीं के, तू जहाँ बैठा है। मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ और तू गायब राशन पे। चंदार खंपाट नहीं के, कहाँ हटा से, कहाँ हटा से, मौका क्यों नहीं, कहाँ हटे हैं, भीड़ आ गया। चप्पल ये आई चाची वाली, तुम बहुत कार के नाते तुम बहुत पड़ती है दोनों को, ये वो भी नहीं पिसाया, मरो भूख है, मैं तो चली। पहलो तुम डेविल है, शैतान है तुम। शैतान तो तू है जो शराब का धंधा करता है और शराब पीता है, मवाली कहीं का बड़ा आया। तेरा दिल नहीं है क्या, इन बच्चों को इस बेरहमी से मारता है तुम। तेरा तो दिल है ना, रख क्यों नहीं लेता इन पिल्लों को, मेरी मुसीबत टले। अरे मेरे पास इन्हें दो वक्त खिलाने को भी नहीं है, और फिर मेरा तो काम ऐसा है कि किसी रोज भी जेल। दिल चाहता है कि ऐसे हर बच्चे को, ऐसे हर मासूम। ऐसी दिलदारी और जेब खाली बहुत देखी है मैंने। और भुलवा, अगर कल शाम तक दशा ने पैसे मांग कर नहीं लाया तो देखना तुम लोग। ऐसे हर बच्ची को बोले, आज बहुत मार पड़ी। कोई बात, कोई बात। बेलू उठ बेटा, उठ, भूख लगी है? भूख लगी, मुझे रोज रोज भूख लगती है। भूख हमारे वतन का सबसे बड़ा बीमारी है। चलो चलो, उठो उठो, आओ हमारे साथ, चलो आओ। शाबाश शाबाश, जिंदगी का ठोकर और मुसीबत का हंस के मुकाबला करना मांगता है। हाँ, हंस के लो, खाओ खाओ। तुम नहीं खाओगे चाचा? हम खाया बेटा, हम खाया, तुम खाओ खाओ। भोला तो भीख मांगना बंद कर दे, भगवान ने ये तो हाथ दिया है ना, इसमें बड़ा ताकत है। आज तुम्हारा हाथ छोटा है, तुम छोटा काम करो, कल यही हाथ बड़ा बड़ा काम करेगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ये हाथ नहीं कर सकता। भोला तू भूखा मर जा, लेकिन भीख मत मांग, भीख मत मांग बेटा। चाची कहती हैं तुम रोज भीख मांगो, जॉन चाचा कहते हैं तुम भीख कभी मत मांगो, अब क्या करें बोला? नहीं बेलू, चाचा ठीक कहते हैं। चाचा मैं कसम खाता हूँ, मैं कल से भीख नहीं मांगूंगा। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, बूढ़ा, मैं तुम्हारा मदद करता, लेकिन तू तो मेरी आदतें जानता है ना। भोले
तू नहीं जानता कि मेरी जिंदगी भीख, चोरी और बहुत खराब कामों में गुजरी है। मैं खराब हूं लेकिन तू अच्छा बनना बेटा, बहुत बड़ा आदमी बनना। हाँ, मेरे बाद मेरी रूह तुझ में रहेगी। तुम लोग मेरा नया जिंदगी है। हाँ, नया जिंदगी नया जिंदगी नया। चाचा खाना खाया बेटा? हाँ चाचा, खूब पेट भर के खाया। चाचा आज कितनी अंधेरी रात है। हाँ चाचा, आज बहुत काली रात है। हाँ बेटा, अंधेरी रात है। भोले ये झोपड़ियाँ देखता है ना? हाँ चाचा। इसमें हम तुम हमारे जैसा हजारों इंसान जानवर के माफक रहता है। और इस अंधेरी रात से भी काली जिंदगी बसर करता है। मगर ये अंधेरी रात खत्म होगी, जरूर होगी कभी ना कभी, मेरा दिल कहता है। और फिर सुबह होगी और फिर इनकी जिंदगी में कोई सूरज सोना फैला देगा। तुम बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नाचेगा, गाएगा, खुश होगा। वो सबको देखता है, सबको देता है बेटा। दिन आता है इसी तरह, आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। रात गई फिर दिन आता है इसी तरह, आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। रात गई कितना बड़ा सफर दुनिया का, एक दोता एक मुस्काता है, एक दोता एक मुस्काता है। कदम कदम रखता हीरा ही कितनी दूर चला जाता है। एक एक तिनके से, एक एक तिनके से पंछी का घर बन जाता है। ओ रात गई, कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी अंधेरा कभी उजाला, फूल खिला फिर मुरझाता है। खेला बचपन हंसी जवानी, मगर बुढ़ापा तड़पाता है, मगर बुढ़ापा तड़पाता है। खेला बचपन हंसी जवानी, मगर बुढ़ापा तड़पाता है। सुख दुख का पहिया चलता है, वही नसीबा कहलाता है। ओ, रात गई, रात गई फिर दिन आता है इसी तरह, आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। ओ, रात
बच्चे जॉन चाचा तुम कितने अच्छे तुम्हें प्यार करते सब बच्चे जॉन चाचा तुम कितने अच्छे तुम्हें प्यार करते सब बच्चे जॉन चाचा तुम कितने अच्छे तुम्हें प्यार करते सब बच्चे हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम चाचा क्या होती तकदीर चाचा क्या होती तकदीर ओ चाचा क्या होती तकदीर चाचा क्या होती तकदीर क्यों है एक भिखारी चाचा क्यों है मांग कर जीने में कुछ नाम नहीं कुछ नाम लाखों में तू बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल बढ़ता चल तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल बढ़ता चल तारों के हाथ पकड़ता चल के हाथ पकड़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल बढ़ता चल तू बढ़ता चल बढ़ता चल ये रात गई वो सुबह नहीं ये रात गई वो सुबह नहीं बाबू चल चल
चल चल, ठीक मांगता है बतोलाल, ये क्या कहता है लड़का? गुंगा मालूम होता है शेर जी। बतोलाल जी, दे दो बिचारे को एक आनो। एक आना शेर जी? हाँ हाँ, एक आनो दे दीजिए। तेल बनाता है आ, इसमें सौंफ का पानी, लौंग की भूकी, घास का भस्म, आज्ञागार, याद रखने का बात है, दूसरा घास नहीं चलेगा। हाँ, आंवले का मुरब्बा, ये सब मिलाकर दालदा में उबालेगा और फिर सर पे मालिश करते ही बाल साफ है। बाल साफ? हाँ चाचा, फिर तो बिल्कुल ही साफ। वो कैसे चाचा? एक चीज तो लगाना भूल ही गए। वो क्या? वही अपनी चीज। वो चाचा, बेल की गुठली। बेल की गुठली? हाँ चाचा, वही तो कमला चाची लगाती है, ये बड़े बड़े बाल निकलते हैं उसके। हाँ चाचा, एक रुपए की गुठली के इतने बड़े बाल, आठ आने के इतने और चार आने के इतने और दो आने के इतने से। चाचा बोलो, तुमको कितने चाहिए? बेल की गुठली से बाल निकलेगा? हाँ चाचा, अभी ला देते हैं। हटाट, लेकिन पैर की गुठली बाल निकलेगा? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, तुम ठहरो। हाँ, बस एक ही पैसा और क्या? ना बाबा, ये अपने से नहीं होता। इतनी दूर जाना, वहां से बेल की गुठली खरीद के लाना, फिर उसको धोकर भी लाना, मैं तो मर जाऊंगी बाबा। क्यों बेलू, जमाने में तो काम हो जाएगा ना? हाँ चला ही लेंगे, अपने चाचा है। लाओ चाचा, तीन आने निकालो। हाँ चाचा, पैसे तो दो। तीन आने? हाँ चाचा, निकालो। अच्छा अच्छा, तुम लोग कहता है तीन आना तो तीन आना, बाल तो निकलेगा ना? हाँ चाचा, लंबे 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 लंबे। अच्छा अच्छा चाचा, बेर की गुठली नहीं, तुम तो करेला रगड़ो करेला। हम सब समझता है, बेर की गुठली से बाल निकलेगा तो अपना माफक दुनिया में कोई टकला नहीं रहेगा। तूने वो दुकान से पालिश क्यों नहीं खरीदी? अरे अच्छा ही हुआ बेलू, वो पालिश तो कान में पड़ा पड़ा सूख गया होगा, अपने पैसे बेकार जाते। ठीक है, अभी अपन पालिश खूब देख के लेंगे। बोला हाँ, चल चल। ये अपने का बना हुआ है भाई, भाई ये 10 रुपया 12 आने का है और ये है 14 रुपया 5 आने का। ये क्या कर रहे तुम लोग? दोनों क्या चाहिए? एक फर्स्ट क्लास, दूसरा दो पाली, एक लाल एक काली। लेकिन ब्रश कैसा चाहिए ये तो बताओ। कैसे ब्रश बोलू? अच्छा वाला ब्रश, जूते का। अच्छा ठहरो, अभी लाता हूँ। जब ये पालिश की डिब्बी खाली रहेगी ना, तब अपन इसमें पैसे रखेंगे। तीनों झाड़ के नीचे नहीं रखेंगे। और बेलू, एक लाल वाली फराक ला के नहीं बोला थे देखो मेरे बेलू, लाल वाली फराक। ये है तुम्हारे ब्रश, 1 रुपया 12 आने, 8 आने, 4 आने, बोलो कौन सा चाहिए?
और पारिश भी लाता हूँ। और ये रही तुम्हारी पालिश, छह आने, आठ आने, दस आने, चार आने, पसंद करो जल्दी जल्दी पसंद करो। ओहो, मैं इसके चार आने जोड़ रहा था। दोनों तुमको कुछ पसंद आया? एक मिनट है, तुम्हें तो इसके सात आने कहे थे ना? नहीं नहीं बेलू, इसके दस आने और इसके बारह आने कहे थे। नहीं बाबा, इसके तीन आने कहे थे। क्या गड़बड़ तुम लोगों ने मचा रखा है, तुम्हारे पैसे हो गए बारह आने, आठ आने, चार आने, कितना? अरे आपका तो हुआ एक रुपया दो आने। कुछ कम नहीं होगा? कम नहीं होगा भैया। एक पापा पाई कम से नहीं होगा, जल्दी निकालो पैसे। एक रुपया दो आने, एक रुपया दो आने, बारह आने, आठ आने, चार आने, माफ कीजिएगा, फाटा करके चले गए शंकर। देखना बेलू, आज से मैं कितने पैसे रोज कमाता हूँ। फिर तो मुझे बेल दिला देगा ना? अरे बेल मत, तुझे एक फराग भी ले दूंगा। ए, लाल वाली फराग? हाँ हाँ, खूब लाल वाली फराग, लेकिन तू मेरे साथ है। चल बोला, अपन जान चल को बता बेलू, जल्दी चल बेलू। क्या है बेटा, क्या है? जान चाचा, आज मैं नई चीज लाए हैं। क्या है बताओ? चाचा, एक नई खुशखबरी। वो क्या है? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये बंद कर लिया। अंदर चलो, अंदर चलो ना चाचा। चलो चलो। चाचा देखना नहीं है? कौन देखता बाबा, कौन देखता? शाबाश बेटा, शाबाश। कल से भीख मांगना बंद। बहुत अच्छे, दुनिया में यही तरीका है जीने का बेटा, कुछ करना, इन दोनों हाथों से कुछ करना। हाँ समझे भाई, इस तरह किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लाइन लगाओ, एक लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन से खड़े हो जाओ भाई, मिलेगा, सबको मिलेगा। माता जी आज अपने हाथों से दान देंगी, दो दो आना, एक एक आना, और मुट्ठी मुट्ठी भर चना भी मिलेगा। अरे हाँ, ये अपना मोहल्ला में आज क्या गड़बड़ होता है? अरे कुछ नहीं, चलो सेफ्टी बच्चे भूखे ही, ये खाना दोबारा ज्यादा दे दीजिए। माता जी मेरे जगह ना, आहिस्ता आहिस्ता, सबर सेफ्टी बच्चे भूखे ही, ये खाना दोबारा ज्यादा दे दीजिए। माता जी मेरे जगह ना, आहिस्ता आहिस्ता, सबर से सबर। माँ जी दो रोज से भूखा हूँ, माँ जी भगवान तुम्हारा भला करेगा। माँ जी आहिस्ता आहिस्ता, सबको बराबर मिलेगा भाई, काहे को जल्दी करते हो, घबराओ नहीं, सबको मिलेगा। हाँ हाँ सबर से, सबको मिलेगा। आप भीख देता है देवी जी, आप समझता आज आप दुआना दिया, भगवान कल आपको चारा न देगा? कैसी बातें करते हो तुम? माता जी ने धर्म में चार मंदिर खोले हैं और दो गौशाले भी बनवाए, और आज पोते की खुशी में अपने हाथों दान देने आई हैं। हाँ क्या बक रहे हैं आप? हम ठीक बकता है साहब, आप सरीका लोग नहीं होता तो यह भिखारी या तो तड़प तड़प के मर जाता या तो कुछ काम करता। इनको भीख मत दो, कुछ काम दो साहब। ये हमारा काम है? ये हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, बाहर वालों का काम है क्या? किसका काम है बोलो? चुप रह, बता मैं जवान ला रहा था। तुम उनके काम में दखल देता है, चलो चलो चलो। बूढ़े क्या बकता है, खुद तो भीख मांगता नहीं, हमको भीख मांगने नहीं देता। वो हफ्ते में शैतानी आया करती थी, तूने उसको भी नाराज कर दिया। भीख में दुआने मिलते थे वो भी बंद कर दिए। ये हमारा धंधा है, रोजी है, दो रोटी बचा लो, भीख का मांगता वो भी तुम छीनता। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये बच्चा लोग नया दुनिया में कदम रखा है, इनको भीख मांगना मत सिखाओ पापा। किधर है नई दुनिया, हम कल भी भूखा मरता था और आज भी भूखा मरता है, किधर है नई दुनिया वाला? चलो हे, नया दुनिया तुमको नहीं दिखेगा, इन बच्चों का आंख मत देखो, इनको नया दुनिया दिखेगा। नया दुनिया आएगा नहीं, ये बच्चा बनाएगा नया दुनिया। तुम भिखारी पैदा हुआ, भिखारी मर जाएगा, इन बच्चा को काय को भिखारी बनाता है तुम?
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी, आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसू का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसू का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहने, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। लिखा है बदले का सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। शाबाश बच्चों शाबाश, भीख मांगने के लिए ये मुट्ठी कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए भीख कभी मत मांगना, हा? कभी मत। तो तू इन्हें भीख नहीं मांगने देता, भूलवा चल भाग भाग, पैसे लेके आ चल, जाता है कि नहीं। अच्छा तू ने बहकाता है, देखती हूँ कैसे नहीं जाते। नहीं ना मारना नहीं है, चुप रह, पूरा खो सकता ही का शराब पी पी के तेरी टाल गंजी होगी फिर भी अक्कल नहीं आई, यह उल्टी पुल्टी सिखाता है, देखती हूँ कैसे सीखते हैं, चलो क्यों चाचा आज पीने को नहीं मिली क्या, खूब करेला खाया हा? तुम बीच में मत आओ चिटको, हम तुमको बोलता है तुम कमला का साथ छोड़ दो तो जेल जाएगा। हाँ जेल जाएगा। न काम के न धाम के मेरे सर पे सवार रहते हैं, तू क्या देख रही है, उठा बर्तन और पका चावल, और अगर मैंने फिर कभी उस बुड्ढे के पास खड़े देख लिया तो मार मार के तेरी टांगें तोड़ दूंगी, समझा, और कल शाम तक अगर दासा ने पैसे मांगकर नहीं लाया तो यहां बताना।
जरूर लाऊंगा। आज तो अपने को 10 आने कमाने। हाँ, तो फिर चाची मारेगी। नमस्ते। ये भीख मांगना छोड़ के ये काम चालू किया गया है। हाँ, चिटको भैया। चाची को मालूम है तुम लोगों की हरकत है? नहीं चिटको भैया, चाची से मत कहना। चाची से मत कहना तो रोज होंगे चलाने पैसे फिर कमीशन के। चलाने पैसे है चिटको भैया, एक आना ले लेना। तुम चुप रहो, आज से रोज शाम को चलाने पैसे मांगता है, समझे? नहीं तो फिर देख लूंगा। अच्छी चमकाएगा। मिल गया, मिल गया। अरे जाओ जाओ। काल पालिश। अरे पालिश पालिश के ऊपर लाल पालिश लगा था। अरे बाबा तू काली पालिश देख, लेकिन जल्दी कर बेलू। ला बेलू बाबा जल्दी। अरे बाबा तू तुझे दे दे मैं खोल दूंगा। ला जल्दी। हो गया साहब, जल्दी करो जल्दी करो, गाड़ी आने वाली है। हो गया साहब, देखो इतना फर्स्ट क्लास चमकाएगा साहब। वो देखो गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई। अरे गाड़ी आ गई, जल्दी करो जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो देखो गाड़ी आ गई। देखो ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी मेरा जूता, मेरा जूता, मेरा बूट, मेरा बूट, मेरा बूट। तुमको ये गाना, तुमको ये गाना देगा। अच्छा फर्स्ट क्लास करना है बाबा। अरे बोला दे, क्या हो गया? मुंबई में बड़ी गर्मी पड़ती है। सब हो गया, सब बारिश हो गया। हो गया, दे दीजिए इसे एक गाना और इसे एक गाना। अरे मेरे मोजे और पैजामा खराब कर गए। देख और कहिए पॉलिश कराने के लिए, मुंह धोने की तमीज नहीं, चले आते पॉलिश करने के लिए। कहाँ है वो, पकड़ो। अरे बोला अपने उस सामान के धंधा करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बाल है ना ये भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल जॉन, क्या चाहिए? कौन है ये बदतमी? बोला तू भी हलवा कम डाला कर। ये आपका जूता है? हाँ मेरा जूता है। अरे आप पानी छोड़े छोकरे ने। पानी का बच्चा। अरे क्या पानी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उल्लू का बच्चा। क्या कर सकता क्या तूने? क्या करना बेटा? अपने को पालिश करना नहीं आता ना। पालिश करना नहीं आता, कौन कहता तुझे पालिश कर? कोई दिन कोई पीट देगा तभी अकल आएगी। अभी से अच्छी पालिश करूंगा बीरू। इधर आओ। जी साहब, पालिश करेगा साहब। और ज्योति का पॉलिश है? हाँ साहब, कमाल है। पाना है लाल। तो करने को मांगता है तो मेरा फिर रेस किधर है? फिश फिश, ये है साहब, इसे अच्छा जूते का फिश करके पॉलिश करेगा साहब, ये है फिश फिश। स्टूपिड प्रेट, पाँव रखने को। इधर रखो साहब, इधर रखो। ला भी जूती खराब करा मेरा तुम। कहीं माफ करो ना यार, मालूम नहीं तुमको जूती सफा करने को, उनको मालूम नहीं होता कैसे कम करने को। चलो यो फूल, क्या है माफ करो। अरे बोला तू रोता है? बोला मुझे पालिश करने नहीं आता, मैं पालिश नहीं करूंगा, मुझसे पालिश नहीं होगी। काम की चीज को तो ऐसा फेंक देता है, आ जाएगा बोला। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है ना, अपने को भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। बोला रोना नहीं, बोला सुन जान चाचा के अपन पास चलेंगे, जान चाचा अपने को पालिश करना सिखा देंगे। रो नहीं बोला, देख तू रो नहीं बोला, रो नहीं, चल बोला अपन जान चाचा के पास चल। आ बोला द
do re mi fa so la ti do do ti la so fa mi de do do re mi fa. अरे आओ आओ बोला बेलू आओ sit down बैठो हम तुमको एक इंग्लिश गाना सिखाएगा हाँ इंग्लिश गाना गाएगा ना तुम हाँ. It's a long way to Tipperary. It's a long way. Hey, क्या हुआ बेलू बोलो क्या हुआ बोला चाचा उसने मारा मारा भोला को मारा भोला को मारा कौन साला मारा चाचा हमने उसका पैंटलून खराब कर दिया पैंटलून खराब कर दिया नहीं नहीं चाचा उसका कपड़े का जूता था हमने उसको सब लाल पॉलिश लगा दिया हम क्या करें कपड़े का जूता था उसको लाल पॉलिश लगा दिया चाचा मुझे पॉलिश नहीं आती मैं पॉलिश नहीं करूंगा चाचा मुझसे नहीं होगी नहीं नहीं बेटा हिम्मत नहीं हारना हाँ ये नया नया काम है ना सबको मुश्किल आता हाँ तुम सीखेगा जरूर सीखेगा अरे हमको देखो हमको बाजा नहीं आता हाँ मेहनत किया कोशिश किया बस आ गया हम तुमको फूड पॉलिश का काम सिखाएगा हाँ ये बिल्कुल अक्सर पॉलिश है जैसा हमारा अक्सर तेल है ना बोला बोलो सुनो क्या है ये फुटपाथ है चक 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 लोग जाता है इधर से उधर पम 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 मोटर आता है और फिर कौन आता है जेंटलमैन आता है क्या बोलेगा उसको गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर गुड नाइट सर फर्स्ट क्लास पॉलिश एकदम चकमक पॉलिश और फिर कौन जाता है इधर से पंडित जी जाता है उसको बोलो नमस्कार पंडित जी फर्स्ट क्लास ऊंचा हिंदुस्तानी पॉलिश करेगा हा? लेकिन ध्यान रखो मोजा बचाना पतलून ऊपर धोती बाजू में पीस 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 अच्छा पॉलिश हाँ एक बात है हा? काला जूता काला पॉलिश लाल जूता लाल पॉलिश और कपड़े का जूता नहीं मानता शाबाश तो आप चालू अक्सर पॉलिश हाँ वन टू जरा ओ जाने वाले खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले कब से बैठे आस लगाए हम्मत वाले पालिश वाले हम्मत वाले पालिश वाले खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले कब से बैठे आस लगाए हम्मत वाले पालिश वाले हम्मत वाले पालिश वाले खैर जरा ओ जाने वाले वाले पालिश वाले है जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले कब से बैठे आस लगाए हम्मत वाले पालिश वाले हम्मत वाले पालिश वाले है जरा ओ जाने वाले का फल मीठा मीठा हाँ भई हारे भाग किसी का रूठा झूठा ना भई नारे मेहनत की एक रूखी रोटी हाँ भई हारे और मुफ्त की दूध मलाई ना भई नारे लाने जो फूकट की खाए लाने जो हराम की खाए हम्मत वाले पालिश वाले खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले कब से बैठे आस लगाए हम्मत वाले पालिश वाले खैर जरा ओ जाने वाले पर
पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं। हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं। पंडित को पांच चवन्नी है, अपनी तो एक ही कन्नी है। फिर भेदभाव ये कैसा है, जब सबको प्यारा पैसा है। ऊंच नीच कुछ समझ न पाए, हम मत वाले पालिश वाले, हम मत वाले पालिश वाले। खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए। हम मत वाले पालिश वाले, हम मत वाले पालिश वाले। खैर जरा ओ जाने वाले। काली लाल, क्या नजारा है। आंखें काली, बाल कहे और गालों पे लाली। आह क्या खूबसूरती पाई है, जैसे नई पॉलिश की हुई सैंडल। चल हट, बड़ा आया। ओहो, मैंने कहा कि वो भुलुआ और वेलू क्या करते हैं तुम्हारी स्पीड के पीछे। क्या करते हैं वो दोनों। अरे करता क्या है बाबा, तुम्हारी आंख में धूल झोंकता है। ये सुरमा नहीं कमला जान, और उन्होंने तो भीख मांगना भी बंद कर दिया है आजकल। अरे बाप रे, आ गया तू? क्यों रे, इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये चिटकू कहता है कि तुम लोग मेरी पीठ के पीछे। हा हा हा, खूबसूरत पीठ के पीछे। अरे मुझसे क्या छुपाता है? कुछ भी तो नहीं चाची, आज तो मैं दसाने मांग के लाया हूँ। दसाने? दसाने कैसे मिल गए? दिखा, निकाल, निकाल। मैंने कहा वो दसाने। चिटकू, तू क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कमरा तलाशा है। हाँ, और भुलवा तू रोज इसी तरह भीख मांगा कर, कल भी दसाने लायो। हाँ देख, कल मैं जरा देर से आऊंगी, समझी? मैंने कहा जरा जल्दी आना, कहीं भोर ना हो जाए सजनी। चलो देखो चलो, पैसे तुम देखो, चलो आया आया आया। ध्यान छोटी बाबा, देख बोला मैं चाराने पैसे यहाँ बांध रखे थे, मालूम है क्या करेंगे। लेकिन बेलू, अगर चिटकू ने अपने धंधे के बारे में चाची से क्या दिया तो देखा जाएगा। अभी तो तेरी लिए खमीस आएगी ना, देख कितनी फट गई है। नहीं बेलू, पहले तेरी फराक आएगी। नहीं बाबा, पहले तेरी खमीस आएगी, मैं इस फ्रॉक से बहुत दिन तक चलेगी। देख बेलू, नहीं बाबा, तेरी खमीस पहले आएगी। अच्छा तू चुप रहे, अभी अपन जनरल के पास चलते, वो अपना फैसला करेंगे। चल क्या बात है बेटा? जान चाचा, ये ब्रश पॉलिश तुम अपने पास रख लो, मैं तो चाची। वो जालिम तो तुम्हें हमेशा भीख मांगना सिखाती है ना। लेकिन चाचा, भीख मांगना तो बंद हो गया। हाँ चाचा। अच्छा, लो मुझे तो मालूम ही नहीं कि भीख मांगना बंद हो गया। वाह वाह, खूब चले खाओ चले खाओ। चाचा देखो, तुम एक बात का फैसला करो बाबा, इसकी खमीज फट गई है ना। फट गई है कि नहीं? तो मैंने इसको बोले तू नई खमीज खरीद ले, अपने बूट पॉलिश के जो पैसे जमा हुआ उसमें से खरीद आएगी। तो ये नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। क्यों? देखो चाचा, हाँ। मैंने इससे कहा कि मेरी कमीज तो अभी बहुत चलेगी है? हाँ। तेरी फराक बहुत फट गई है, तू एक नई फराक ले ले, तो नहीं मानती। लेकिन मैंने तुझे कहा कि तेरी नई कमीज आएगी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? कुछ होता ही नहीं बोलने वाला। मैंने कहा तेरी लाल फराक। नहीं, तेरी नई कमीज आएगी। अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा अभी कुछ नहीं, एक बार कह दिया, दूसरी बात नहीं मानता है। हाँ हाँ बाबा, बाबा काय को फाइटिंग करता है। तुम एक नवा कमीज ले लो, तुम एक नवा फ्रॉक ले लो, बात झगड़ा खत्म। हाँ लेकिन चाचा, अपने पास तो सिर्फ चार ही आने हैं, इसमें भोला की कमीज आ जाएगी ना। चार आने, इसमें तो किसी का कुछ नहीं बनता बेटा। क्यों, कमीज में ज्यादा पैसे लगते हैं चाचा? हाँ बेटा, बहुत पैसा लगता है, 3-4 रुपया लगता है। मैं तुम्हारा वास्ते बहुत, लेकिन चाचा तुम्हारे पास छल्ला है?
चाचा जब हम घर आ रहे थे ना तो एक आदमी सड़क के अंधेरे कोने में आदमी नहीं भूत था भूत चाचा वो कहता था कि एक बोतल देसी थर्रा ला दे पाँच रुपए दूंगा मैंने कहा बाबूजी मुझे क्या मालूम चाचा ये थर्रा क्या होता है थर्रा क्या अपन को क्या मालूम थर्रा क्या होता है बोला वो आदमी कौन सा गली में खड़ा था वो चाचा वहाँ वहाँ पीपल वाली गली में इसे कुछ नहीं मालूम चाचा अरे होगा कोई मुझे किसी शराबी से क्या वास्ता अच्छा अब तुम लोग जाओ जाओ सो जाओ चाचा जा। पुरुष पालिस का ख्याल रखना है चाचा क्या एक बाजा नहीं बजा बजाऊंगा बजाऊंगा जाओ 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 सो जाओ जाओ बच्चा के वास्ते फ्रॉक लाएगा शर्ट लाएगा भोला बेलू के वास्ते फिर ऐसा काम नहीं करेगा फर्गी मी कॉल जल्दी ले चलो पुलिस साहब जॉन चाचा को छोड़ दो ना नहीं तो मैं चाचा से कह दूंगी पकड़ो इन्हें भी नहीं नहीं हवलदार साहब ये लोग बेचारा काम करता है और अपना पेट भरता है हमको कोई खबर नहीं दिया हमको ले चलो अच्छा छोड़ दो इनको जॉन चाचा ये पुलिस तुमको क्यों पकड़ती है चाचा मैं बुरा आदमी हूँ ना बेटा खोटा काम किया खोटा काम तुम ऐसा काम मत करो बेटा जिंदगी में बहुत मुश्किल आता है हिम्मत से काम लो हिम्मत से हाँ बेलो अरे बेलो तुम रोता है बेटा काय को रोता हम जल्दी आएगा बेटा हवलदार साहब जान चाचा ने क्या किया दारू का धंधा करता है ये अब इसे नहीं करेगा क्यों चाचा नहीं करेगा बेटा कभी नहीं करेगा चलो चलो ले चलो इन्हें एक मिनट जान चाचा अरे बेलू बेटा जरा बोल तो हंस के बोल दो चाचा के सर पर बाल कैसे आ गए बोल 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 जल्दी हंस के बोलो जाने से पहले हंसो हंसो करेला करेला चलो चलो बहुत टाइम हो गया हंसते रहना हंसते रहना अरे पेद्रो कौन जान तू अजून अंगात हा जेवा फोन आ फॉलो तुम कैसा आया अरे वही अपना जूना धंधा हाँ ठर्रा ओ मैं तुमको बोला ऐसा काम मत करो नहीं पेद्रो अभी बंद हाँ बंद बंद अच्छा आओ अपने भाइयों से मिलिए पेद्रो अंकल ये कौन है ये बहुत बड़ा आदमी है अच्छा चलो बैठ जाओ चलो लाला छोटू राम चार महीने मिस्टर मंटगो छह महीने पेस्तन जी ओ पेस्तन जी आठ महीने मगन भाई सत्रह महीने अरे बहुत खुशी हुआ मैं मन जी पंद्रह दिन बस नहीं एक महीने अच्छा एक महीने मिलिए प्रोफेसर लो बोलो प्रोफेसर काय का प्रोफेसर भेजेगा ओ इधर कैसा आया इसने बाल उगाने का तेल बनाया 300 आदमियों का मैदान साफ कलम 420 3 साल 3 साल
अरे वाह प्रोफेसर, तुमको मिलकर बहुत खुशी हुआ। बैठिए बैठिए प्रोफेसर साहब, हमको भी अक्सर तेल का बहुत शौक है। हाँ, तुम्हारे पास कोई नया फार्मूला और मिला है? एक बिल्कुल नया बात सोचा है। क्या सोचा है? उसमें थोड़ा फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी क्या होता है? बेजे का बात। बात थोड़ा घुमावदार है। फिर भी प्रोफेसर साहब कुछ तो बताइए, शायद उसमें से कुछ निकला है। सब बातों का निचोड़ है घटाएं और जटाएं। घटाएं और जटाएं, कुछ समझ नहीं आया प्रोफेसर। भाई घटाएं भी काली और जटाएं भी काली, घटाओं को बुलाओ, गलती से जटाएं भी आ जाए। नो बोलो, तुम्हारी फिलॉसफी पिलपिला है। अरे नहीं नहीं, हम समझा तुम्हारा बात प्रोफेसर। इधर आओ बैठो। ये घटा का मतलब है पानी और जटा का मतलब है बाल। पानी आएगा बाल उगेगा, क्यों? हाँ। लेकिन पानी कदा आएगा? अरे ये तो खूबी का बात है। बैठो बैठो। हाँ, प्रैक्टिस का बात है, अक्सर बात है, रियाज का बात है। हाँ? तुम तानसेन का नाम सुना? वो पानी लाया सुना? अब सुनो। झपक तू आरे बदरवा, टपक झपक तू आरे बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। लपक झपक तू, लपक झपक तू आर बदरवा। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आर। लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू आर। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू। झगड़ झगड़ कर पानी 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 नी पानी ला तू, पानी ला तू, पानी ला तू। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली तू। तेरे घड़े में पानी नहीं हो, तेरे घड़े में पानी नहीं हो। पन घट से भर ला सकीरी, पन घट से भर ला सकीरी, पन घट से भर, पन घट से भर ला, पन घट से भर ला, हाँ पन घट से भर। झपक झपक तू मारे बदलवा, लपक झपक तू लपक झपक 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 तू, लपक झपक तू, लपक झपक तू आर बदरवा। पन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है। पन में कोयल में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है। बूदल से तू बाल उगा दे, बूदल से तू बाल उगा दे।
झटपट तू बरसात बदलवा, झटपट तू बरसा बदलवा, झटपट तू बर, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बर, लबक झपक तू आर बदरवा, लबक झपक तू आर बदरवा, क्यों मैंने मैंने तो पिया या पक जा जा पक लगा जा जा पक जा जा क्यों या क्यों या लबक झपक तू, लबक झपक, 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 लबक झपक तू तू वा, लबक झपक तू वा, लबक झपक तू वा, लबक झपक तू आरे बदरवा, लबक झपक, लबक 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 झपक 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 कहा गुड मॉर्निंग, चाय तो पीती जाओ ये सब। बड़ी बारिश की रात थी। अरे और भी बहुत कुछ हो गया, वो गए जेल उसने जॉन चाचा। अच्छा हुआ, उसे तो सरकार को छोड़ना ही नहीं चाहिए, बड़ा डामिस आदमी है, खतरनाक है, खतरनाक। तुमसे कमी है, ले चाय के पैसे तो देती जाओ। पैसे तो देती जाओ, होटल खोल रखा है क्या? हाँ यही समझ लो, आजकल अपना धंधा बंदा तो कुछ खत्म हो गया है। क्यों? वो तुम्हारे यहाँ जो पैलेस वाले पैदा हो गए हैं ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ खास ले नहीं। करनी बता तो। भोला वो बेलू आजकल पैलेस करते हैं, पैलेस भीख भीख नहीं मांगते हैं। पैलेस करते हैं, मुझसे चोरी पैसे बचाए होंगे। और आजकल तो बारिश में उन्हें कोई दुआने भी नहीं देगा, दुआने भी अपनी देखो ना फटीचर हालत। अरे जब भीख मांगते थे तो दो एक रुपया ले भी आते थे, आजकल तो दस आने भी नहीं लाते, दस आने। बाप की जागीर तभी है ना जो बैठा के खिलाऊं, निकाल बाहर ना किया तो मेरा नाम भी कमला नहीं कमला। अरे तू तो कमली वाली है, कमली वाली। अरे क्या रूप पाया है। माँ माँ की बच्ची कल हुई, माँ को तुम पैदा होते ही मुझे चिट्ठी ना सब कुछ बता दिया है, खाने के लिए पैसे मैं कमाती हूँ और तुम लोग भूखे जाने के लिए चाबी चुमाते हो। तुम भक्तों निकल जाओ यहाँ, पैसे मांग कर नहीं लाए तो यहाँ मत आना मरने को। माँ
अरे भीलू, तुझे तो बुखार भी हो रहा है। चाची चाची दरवाजा खोलो, चाची भीलू को बुखार हो रहा है। चाची चाची बोला, अब अपन कहाँ सोएंगे? बोला क्या खाएंगे? देख तू घबरा नहीं, जॉन चाचा कहते थे ना कि हिम्मत से काम लेना। चल पिलो, मैं पालिश करता हूँ। पालिश ये ले बोला, ठीक है ना? चल, बारिश में भी पालिश कराता है। अरे भैया, हमको भी एक रुपया दो ना। पैसा है? पैसा तो नहीं है भैया। तो चलो फिर भागो। पालिश एकदम फिट कर पालिश। दो पालिश केवी रीते कराऊं? मारी गाड़ी चली जैसे जानी वचमा काई तमे गड़बड़ करो छो। अरे बारिश के दिनों में कोई पॉलिश कराता है? देख पॉलिश ऐसी होती है। चल भाग भाग। जाते जाते तेरी पॉलिश ही दिल जाएगी। हाँ? क्या फायदा, तू तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेता? बाबूजी मैं बहुत अच्छी पॉलिश कर दूंगा साहब, बहुत अच्छी पॉलिश कर दूंगा। दो पैसे पगला है, दो पैसे बाबूजी। पॉलिश करा ले खाम खा, क्यों पैसे चाहिए ना? ये लो। नहीं बाबूजी नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूंगा बाबूजी, मुझे काम चाहिए, मुझसे पॉलिश करा लो बाबूजी। मैं ऐसे Thank you.
देख कितने जूते हैं। हाँ बिल्लू, जब पानी बंद हो जाएगा ना तो मैं इन सब जूते पे फिस फिस करके बारिश कर दूंगा और तेरी तरफ गरम गरम चाय लाऊंगा, गरम गरम चाय लाऊंगा और एक और रोटी भी बिल्लू तू खाएगी ना। साफ पालिश, साफ अच्छी पालिश कर देगा साहब। हटो हटो, बूट पर कोई पालिश कराता है? पालिश साहब, साहब अच्छी पालिश कर देगा। पालिश के दिन और पालिश दस दिन। साहब अच्छी पालिश कर देगा साहब। नहीं मानता। चल बिल्लू अपन पूरी बंदर चले, वहाँ पे अपने को जरूर काम मिलेगा। चल बिल्लू। किसने था तुम्हें पॉलिश करने के लिए? साहब अच्छा बनाया है, एक आना दे देना साहब। अच्छा चल भाग यहाँ से। पॉलिश करने का क्या थे लड़के? ले सलाम साहब। उठ उठ, मैं तुझे खाने के लिए कुछ ले दूँ। चल पैसे ये रहे फिलू, ये रहे। अरे भुलुआ तू यहाँ कहाँ? और आज के रोज ये ब्रश और पॉलिश? बारिश में तो इतनी भीड़ होती है किसी का गला भी काट लो तो पता नहीं चले। आहा क्या चीज है बेटे, ब्रश पॉलिश के बजाय अगर ये खरीद लेता ना तो तेरा बेड़ा ही पार हो जाता। अच्छा भुलुए मुझे बहुत भूख लगी है। बस बिल्लू तू यहाँ बैठ, मैं अभी तेरे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। बिल्लू मैं भी आया। भैया एक पाव रोटी और एक कप चाय। लो पाव रोटी लो, पाव रोटी लो। अरे मेरा पैकेट, अरे मेरा पैकेट मार दिया, कोई जगह मेरा पैकेट मार दिया, निकाल मेरा मेरा पैकेट। बोला भाग, बोला पुलिस पुलिस भाग, मेरा पैकेट पुलिस। इस बेचारी का बदन तो बुखार से तप रहा है।
कौन हो तुम? अनाथ मालूम होती है, भूखी। इस बेचारी को कुछ पैसे दे दीजिए, खा लेगी। हाँ हाँ। लो बच्ची। ठीक नहीं, खुदा मुझे मारेगा, खुदा मुझे मारेगा। भोला को बुला दो ना। भोला कौन? भोला, भोला मुझे भूख लगी थी ना। देखिए बुखार से बेहोश हो गई है। भोला, भोला। बेलू, मैं तुझे बेर खरीद दूंगा। बेलू बेर, लाल वाली फराक। बेलू लाल वाली फराक, मैं तुझे कहाँ ढूंढू? बेलू तू कहाँ चली गई? चाची उसे मत मारो चाचा। बोला कैसी तबीयत है इसकी? अब बुखार तो उतर गया, कुछ हरारत बाकी है और बहुत डरी हुई मालूम होती है। बोला 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 नहीं, बोला बोला आएगी। माँ गई क्या? नहीं, बेलू के सगे पैसे लाया मांगकर। आज तो मुझे मत मारो चाची, मेरी बेलू खो गई। अच्छा हुआ एक मुसीबत टली, तू भी क्यों नहीं मर जाता कहीं? मैं काम कर ले धाम का, चल निकल यहाँ से। और देख अगर शाम तक भीख मांगकर न लाया तो यहाँ मत आना मरने के लिए। चाची मेरी बेलू आए तो उसे कहीं मत जाने देना, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा चाची। उसे कहीं मत जाने देना चाची, मेरी बेल। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया में सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया में सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। छल के मात पिता की अखियां, रोवे तेरे बचपन की सखियां। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया में सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के।
बांधी लगन की डोर, मैंने सब सोच समझ के जाऊं पिया के देश, हो रसिया में सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। अब से तुम हमारे साथ रहोगी ना बेटी, हम तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। तुम बोलो। ओहो, बड़ी अच्छी फ्रॉक पहनी है तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? तुमने हमें अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। अब तो हमें अपना नाम बता दो, बता दो। बेलू। अच्छा बेलू, अब से तो तुम हमारे पास रहोगी ना? मैं तो भोला के पास जाऊंगी। भोला? भोला कौन बेटी? भोला मेरा, भोला मेरा भाई। अच्छा, तुम्हारा भाई भी है? हाँ हाँ। लेकिन लता, हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? ये कानून के खिलाफ है। और फिर इसके माँ बाप हैं या नहीं, इसका भी तो पता नहीं। मेरा दिल कहता है कि इसका कोई नहीं है। तुम कहाँ रहती हो बेटी? वहाँ भोला के पास। साहब, गैरेज से गाड़ी ठीक होकर आ गई। जाओ मेरा कोट ले आओ। चलिए ना, आज चल के इसका कुछ पता लगाए। आप ऑफिस जरा देर में जाए तो। हमें अपने घर ले चलोगी ना? अच्छी बात है, तो चलो तुम तैयार हो जाओ। चलिए श्यामू, आओ बेटी, गाड़ी निकलवाओ। भोला के पास चलेंगे ना? हाँ हाँ, भोला के पास चलेंगे। आओ, आओ, आना। बेबी, बेबी, आओ, बेबी, आओ, बेबी। हेलो बेटा, देखिए संभल के। कहाँ मुसीबत में डाला है बेबी? ठहर बेटा, आइए संभल के आइए। बेबी ठहर, बेबी आइए, धीरे से आइए, धीरे से। बेबी चाची, दरवाजा खोलो चाची। अब आई है तो गला फाड़ती फाड़ती। मैं भोला के लिए मिठाई लाई हूँ चाची, और तुम्हारे लिए भी तो लाई हूँ चाची। ये ठाट कैसे हो गए तेरे रातों रात? ये बच्ची आपकी है? जी मैंने कहा ये बच्ची आपकी है। नहीं नहीं, ये अनाथ है, मेरे यहाँ रहती थी। इसने चोरी की है क्या? नहीं नहीं, चोरी तो हमने की है, जो इसे अपने पास रख लिया। इसे हम अपने पास रखना चाहते हैं। हमारा मतलब है, हम इसे गोद लेना चाहते हैं। इसे दोगी हमें? क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन मैंने भी तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, और आप तो जानते ही हैं, इसे देते हुए मेरा दिल बड़ा दुखता है। आप किसी और को भी गोद लेंगे? नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ यही चाहिए। आओ बेटी, भोला को भी ले चलो ना। हाँ हाँ बेटा, ले चलेंगे। भोला कहाँ है? भोला, भोला इसका भाई था, कुछ रोज पहले मर गया। ये उसी का नाम लेकर रोती है। मर गया? चलो बेटी नहीं, मैं भोला के पास जाऊंगी। भोला आ जाए, भोला आ जाए, तू जा, समझे? हाँ, उसे डांटिए नहीं। भगवान, मेरे बरसों के साथ पूरी हो, तुम्हारी दया से मुझे बेटी मिल गई। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। भगवान, मेरी बेलू खो गई, मेरी बेलू मिल जाए तो मैं एक रोज की बूट पॉलिश के पैसे चढ़ा दूंगा। भगवान, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ले बेटा, तू भी पढ़ा दे। खाली
पहले, छह महीने पहले नोटिस दिया कि झोपड़े हटा लो यहाँ से, नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। झोपड़े उठा लो, झोपड़े उठा लो, उठा के चले जाओ तुम्हारे घर पे। नहीं जी, आप इसे मरियम ड्राइव ले जाइए ना। तुम्हारे बाप की जगह है ना, मरियम ड्राइव ले जाइए ना। अरे वो कमली वाली, मैंने कहा वो साधु राम की चाल में एक खोली काली है। मैंने कहा तुम्हारे ही मतलब की बात है, साधु राम की चाल में एक खोली खाली है तो ना, कहो तो दिखा लो। कहा? अरे वहाँ कमला बड़ी फर्स्ट क्लास महफिल जम सकती है। हाँ मैंने कहा मैं अकेला कमरा लेके क्या करूँगा, जब कमला नहीं तो बंगला नहीं, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे भाड़ा क्या है? अरे भाड़े की क्या पूछो हो, साधु राम तुमसे कुछ ज्यादा थोड़ी ले लेगा, सिर्फ 5 रुपए। पर मैं कुछ पाल नहीं भरने दूंगी। चाची बेलू आई है, मेरी बेलू आई है चाची। आ गया तू? नहीं नहीं चाची, मैं तो पूछने आया था, मेरी बेलू तो नहीं आई। अरे जाता कहाँ है, ये झूठी तकदीर से तो मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। चल उठा सारा सामान, चला था बाप के घर। अबे उठा ना, चल हमारे साथ, वहाँ खूब जूतियाँ मिलेंगी पॉलिश करने को, खूब जूतियाँ मिलेंगी। मर, खाता नहीं है क्या? क्यों बे, लगा तो नहीं? Bye.
पे दीवानी, सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी। हाय मैं बहारों की नट खटरानी, मैं बहारों की नट खटरानी। बेटी आज से तुम्हारी माँ और एक तुम्हारे पिता और एक घर तुम्हारा है। चले गए यहाँ से। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, होगा क्या, होगा क्या? सारा दिन बाहर घूमता रहता है और शाम को एक चार आने मेरे हाथ में रख देता है। उसमें से मैं से दो वक्त का खाना खिलाऊं और सोने की जगह भी दूं। मैं कहती हूँ भीख मांग, भीख मांग, ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तो पालिश करता है, पालिश कुत्ता का घूंसा। चल निकल यहाँ से और याद रख, फिर कभी यहाँ ना आना, इसे मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं, समझ आई? मेरे लिए तू मर चुका है। लता हम कब तक ये बात छुपाते रहेंगे, आखिर एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। रेनू बेटी, क्या तुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? मैं भोला के पास जाऊंगी, मैं भोला के पास। रेनू तुझे ये मां नहीं अच्छी लगती, चैन से सोने भी नहीं देते जान चाचा, जब कभी तुम आते हो एक मुसीबत लेकर के आते हो। मुसीबत? अरे ऐसा काय को नहीं बोलता है कि हम ये जेल का मच्छर कम करता है। क्या मच्छर कम करता है, हम तो इस कमरे में 5 साल से रहता है मालूम। 5 साल से रहता है? अरे हम दो दो चार चार महीना करके इधर 25 साल निकाला है, जानता है तुम? तुम 5 साल का बच्चा है, 25 साल का जवान है। हाँ कौन है, अंदर आओ। क्या हो रहा है जॉन? अरे कुछ नहीं हवलदार साहब, इधर हमारा इज्जत का सवाल है, ये 5 साल का बच्चा 25 साल का जवान का इंसल्ट करता है। जाओ बाबा जाओ, छुट्टी हो गया तुम्हारा। हाँ छुट्टी, छुट्टी हो गया। हाँ चलो, अच्छा बखत कट गया, अब नहीं आएगा। नहीं आएगा तो जेल ने आकर तुझे सुधार ही दिया। जेल ने नहीं हवलदार साहब, हमारा बच्चा का मोहब्बत ने सुधार दिया, तुम नहीं समझेगा। जाओ बाबा जाओ, चल चल। चलता है ना जमादार साहब। अरे जॉन चाचा, खूब करेला खाया है इधर। हाँ चाचा आ गया ना तू, कहता था कमला का साथ छोड़ दे। अरे कमला का नहीं तो क्या तुम्हारा साथ करता चाचा? अरे अपने को तो फिर भी इधर ही आना पड़ता। हाँ क्या जुर्म है साहब? अरे कोई एक जुर्म हो तो बताया, चल बे चल। अबे थोड़ा ठहरो भाई एक मिनट। चिटकू मेरा भोला और बेलू का क्या हाल है? अरे चाचा उधर तो सब सपाट हो गया, भोला और बेलू को तो चाची ने किसी बड़े आदमी के हाथ बेच दिया। हाँ बेच दिया? हाँ चाचा 100 रुपए में। अरे वो सेठ साधुराम है ना अपनी चाल वाले, उन्हीं के कोई जान पहचान के हैं, पूछोगे तो सब पता चल जाए। चलो चलो बहुत देर हो गई। अच्छा चाचा जल्दी आना। हाँ राम राम भैया, नहीं मुँह क्या देखता बाबा, साफ कर रहे जल्दी। हम ना सिनेमा जाना है तो हो गया कह रहे। हाँ कितना पैसा बाबा? दो आना। एक टैक्सी खड़ा कर। अयो 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 तेरे लिए मेरी गाड़ी गई तो ये ले रहे तो आना जा।
छोटे व्यक्ति ये दिए मारे क्या रे आया क्या जी। ड्राइवर साहब हमला रीगल सिनेमा जाना है सो जल्दी चलो जे। बापू जी अरे गाड़ी चलो जे। अरे बच्चे अरे कितना बल्ला बच्चा रे तू अरे चले रे अरे ले रे मिठाई ले को खा रे जाने दे बापू जी। साहब मुझे ये लाल वाली फ्राक चाहिए। पैसे हैं? हाँ साहब ये लो। वो 2 रुपए नहीं 5 रुपए की फ्राक है वो। मीठे प्यौंदी बेर हरी छाल वाले क्या चाहिए क्या परहट परहट क्या कितने चाहिए सब दे दो सब पागल हो गया 2 रुपए का मालूम है ये लो ये ले ले जा दलिया भी ले जा तू भी क्या याद करेगा ठंडे मीठे बेर ठंडे कैसे दिए बेर एक आने के चार एक आने के चार ये ले जल्दी कर चल बेबी ठंडे मीठे बेर ठंडे मीठे बेर ठंडे मीठे बेर एक आने के चार वाले बेर बेर वाले कैसे बेर दिए एक आने के चार बाबूजी अच्छा 8 आने के दे दो इधर ही रहता है तुम लोग कोई देखा नहीं। हम बहुत ढूंढा उसको बहुत ढूंढा कोई पता नहीं लगता तुमको मालूम होगा तो बोलो बाबा तुम्हारे जैसा चाहिए कहाँ गायब हो गया हाँ ये तुम्हारा कपड़ा तुम तो बिल्कुल रानी बन गया बेलू इधर रहता है इधर रहता अंदर आना तुम हमारा घर देखोगे ना हाँ हाँ क्यों नहीं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये गुड 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 क्या करो चाचा नमस्ते करो नमस्ते आप ही वो लोग हैं जिन्होंने जी हाँ हमने इसको गोद लिया है बहुत अच्छा काम किया तुम लोग बहुत बड़ा काम किया गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला अंदर आइए ना जी जी हाँ आइए अंदर आओ चाचा आओ ना चाचा आओ चाचा आओ ना चाचा आओ चाचा मैं तुमको अच्छे अच्छे
लाऊंगी, मेरे पास कितने खिलौने जमा हो गए चाचा, मेरे पास अच्छे अच्छे फ्रॉक सब लाल रंग के बनाई हूँ चाचा, आओ ना चाचा आओ। चल चल। और चाचा देखो मैं पन्नी भी लगी हूँ, आ से आम, बा से बेर, अच्छा से चाचा। चाचा चाचा बैठो ना चाचा, आप यहाँ बैठिए ना। नहीं चाचा, इधर बैठो ना, इधर नहीं बेटा, मेरी जगह तो यही है, तू तो जानती है। अच्छा बैठो बैठो चाचा, मैं तुमको फ्रॉक्स दिखाऊँ ना। हाँ हाँ। और गुड़िया भी चाचा। गुड़िया भी। आप कहाँ रहते हैं जी? अब तो अखा बम्बई हमारा घर है, पहले मैं इनका पड़ोसी था। ये बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं, ये बच्चे। भोला कहाँ है? अपने चाचा के लिए कुछ खाने को भी तो लाओ। अभी नहीं। आप रेनू के सामने भोला का जिक्र न करें, वो उसकी याद कर करके बहुत रोती है। क्यों, क्या हुआ भोला को? देखो कितने अच्छे अच्छे। अरे बेटी ये क्या लेकर आए, कोई अच्छी अच्छी चीजें लाओ ना, मिठाई फल चाय, जाओ शाम को कहो वो लाएगा। मिठाई खा देना चाचा। लेकिन भोला का क्या हुआ? आपको नहीं मालूम, भोला तो मर चुका है ना। भोला मर चुका? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको किसने बताया? हमें तो उस औरत ने बताया जिससे हमने रेनू को रख लिया। कमला ने बताया होगा, झूठी बदजात कहेंगी। अगर कमला ने कहा कि भोला मर गया तो जरूर जिंदा, मैं भोला को जरूर ढूंढूंगा, जरूर खोज निकालूंगा। काश के भोला मिल जाए। लो चाचा कितना अच्छा, देखो हम अपने चाचा को हमारे हाथ से खिलाएंगे। चाचा खाओ ना। बेलू मैं कल फिर आऊंगा, तुझे पेर पसंद है ना? हा? मैं तेरे लिए पेर ले आऊंगा। हाँ अच्छा। रेनू तुम्हारे लिए बेर लाए बेटा। पापा? आप जॉन साहब हैं, रेनू के पड़ोसी। नहीं ये जॉन चाचा है। बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुआ। जी हाँ। पापा जॉन चाचा बहुत अच्छे हैं पापा। हाँ हाँ बेटा आप बैठिए ना। बैठो चाचा, बैठो ना चाचा। अब हम जाएगा बेलू। कहाँ जाएगा चाचा, हम नहीं जाने देगा तुमको चाचा। हम कल आएगा बेटा, कल आएगा। लेकिन कल तो हम लोग जा रहे हैं। कल? कल आप जा रहे हैं? जी हाँ, हम सब 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। सोचा रेनू की भी तबीयत बहल जाएगी, और फिर हम चाहते हैं रेनू अब पुरानी बातों को भूल जाए, एक शरीफ इज्जतदार पढ़ी लिखी लड़की बने। मेरी भी जिंदगी का यही ख्वाहिश है कि ये बच्चे पढ़े लिखे अच्छे आदमी हो जाए। आज हमको बहुत खुशी हुआ। अच्छा बेटा बेलू अब हम जाएगा। तुम कहाँ जाएगा चाचा, हम तुमको नहीं जाने देगा। बोला भी नहीं चाचा, भी नहीं हम तुमको नहीं जाने देगा। हम फिर आएगा, हम फिर आएगा। सुनो बेटा अब तो यही तुम्हारा घर है, हाँ तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारे पापा हैं, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बेटा। हाँ हम तुम्हें देखने को जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा। हाँ बेलू, हाँ बेलू पढ़ेगा, पढ़ा होगा, हम बेलू को देखने जरूर आएगा। हाँ चाचा मत जाओ चाचा, तुम भी नहीं भोला भी नहीं चाचा। खुश रहना बेलू, मैं भोला को जरूर लाऊंगा। पापा मुझे बेर दिलाओ। कैसे दिए बेर? एक पैसे के पैसे। लाओ कनक दे दे। भोला बेचे बेलू खाए, सबके मन को बेर भाई, बेर वाला ठंडे मीठे। मेरा बेर, मेरे बेलू के बेर दे दो, मेरे बेलू के बेर। साहब साहब मेरी छोटी बहन वो आएगी, बेर मांगेगी, मैं क्या करूंगा साहब? जमादार साहब, जमादार चलो। आधा बस है जान चाचा, कब आए? अरे भाई भोला को कहीं देखा? जी नहीं देखा।
नाम? अभी बोलना, क्या नाम है तेरा? भोला। कहाँ रहता तू? कहीं भी नहीं। तेरा घर नहीं है? माँ बाप? माँ बाप। तो तेरा कोई नहीं है? एक बहन थी साहब, अब तो वो भी खो गई। रो नहीं, हम तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज देंगे। देखो इसे शर्मा जी के अनाथ आश्रम में भेज दो। चलो, नाम बोलो। छोड़ दो हवालदारी ने भी। देखो आइंदा बगैर लाइसेंस के धंधा मत करना। ये हो सरकार। सुनो बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, और तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। कुछ मुझे जाने दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। तो पुलिस तुम्हें यहाँ कैसे लाई? मैं बेर बेच रहा था बाबूजी, मैंने सोचा मेरी बेलू आएगी, बेर खरीदेगी, उसे बेर बहुत पसंद है बाबूजी। बेलू? बेलू कौन? मेरी छोटी बहन, हम लोग बूट पॉलिश करते थे, एक रोज वो खो गई, मैंने उसे बहुत खोजा, अब पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, किस हाल में। अरे रेनू, तुमने अपना बैग अभी तक तैयार नहीं किया, जल्दी करो बेटी वरना देर हो जाएगी। रेनू, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। अरे वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा बेटी, तुम्हें पोनी राइडिंग सिखाएंगे, नाव की सैर करवाएंगे, तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, चलोगी ना? लता, अभी तक तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हुई, कितनी देर हो गई है, 11 तो यहीं बज गए, और वहाँ बेचारे सेठ रायचंद हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। अरे इसे क्या हुआ? रेनू कहती है मैं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, जाएगी क्यों नहीं, हम इसी के लिए तो बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, और फिर यहाँ भोला आएगा तो। मैं तुमसे कहता था ना कि जब तक इसे बाहर नहीं ले जाएंगे, इसे पुरानी बातें बराबर याद आती रहेंगी, आखिर हम इसे कब तक छुपाते रहेंगे, तुम इसे कह क्यों नहीं देती? रेनू, बेटा भोला अब नहीं आएगा। नहीं, वो आएगा। नहीं बेटा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, भोला नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं, तेरे की दुनिया में हर दम अंधेरा, यतीमों की दुनिया में हर दम अंधेरा, इधर भूल कर भी न आया सवेरा, इधर भूल कर भी न आया सवेरा, किसी शाम को जले जो, किसी शाम को एक पल भर जले जो, हमाशा का ऐसा दिया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं।
खिला दो। चल चल भाग यहाँ से। बाबूजी मैं आपके बर्तन साफ करती हूँ। अबे तेरे को बोला ना चा, चला नौकरी करने के लिए, एक नजर कढ़ाई पर दूसरी मिठाई पर, चला कहीं से नौकरी हो मेरे बंदे। ना बाबूजी मैं उठा लूँ। तू मजदूरी करोगे? क्यों नहीं बाबूजी, पेट के लिए। अच्छा उठा। अबे थोड़ा बहुत खा भी के आया मजदूरी करने, चल चल। बोला ना तुझसे नहीं होगा। उठाओ। मंगू सामान तैयार किया या नहीं? हाँ जी। ये ताला तो लगाया ही। हाँ। चलो चलो नहीं चले चलो। रेनू बेटी क्या कर रही हो, चलो जल्दी, 10 बजे तो गाड़ी जाती है बेटी। जी हाँ, हम सब 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, सोचा रेनू की भी तबीयत बहल जाएगी और फिर हम चाहते हैं रेनू अब पुरानी बातों को भूल जाए, एक शरीफ इज्जतदार पढ़ी लिखी लड़की बने। बेलू, हमारा बेटी आज जाता, हमारा बेलू आज जाता, हम जरूर जाएगा, हम जरूर उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे ओ भाई, तू रोता काहे को है? तुम कौन हो भाई, काहे को रोते हो? भगवान ने माँ छीन ली, सरकार ने बाप छीन लिया, किसी ने मेरी बेलू छीन ली, किसी ने मेरे बेर छीन लिए। मैं रो नहीं तो क्या करूं? अरे भाई तुम क्या काम करते हो? अब तो कुछ भी नहीं करता भाई, पहले मैं बूट पॉलिश करता था, अब तो मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं। तुम मुझे कुछ काम दो। हमारे साथ चलेगा? हम गा के पैसे मांगते हैं और खूब कमा लेते हैं। चलेगा? ठीक नहीं, नहीं मैं भीख नहीं मांगूंगा। अबे भीख नहीं मांगेगा क्या, भूखा मरेगा? देख जब तक तेरे पास पालिस के पैसे नहीं है तब तक भीख मांग ले, फिर छोड़ दे। नहीं, नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। नहीं नहीं मैं भीख नहीं मांगूंगा। भीख नहीं मांगेगा क्या, भूखा मरेगा? जब तक तेरे पास पालिस के पैसे नहीं है तब तक भीख मांग ले, फिर छोड़ देना। हाँ नहीं नहीं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। नहीं 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 भीख भीख। मुझे बड़ी भूख लगी। जॉन चाचा, जॉन चाचा मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी। जब तक तेरे पास पालिस के पैसे नहीं है तब तक भीख मांग ले, फिर छोड़ दे। बाबा देलाई दिला दे, देलाई दिला दे बाबा, देलाई दिला दे, देलाई दिला दे बाबा, देलाई दिला दे, देलाई दिला दे बाबा, देलाई दिला दे। दिला
फिर इनकी जिंदगी में कोई सूरज सोना फैला देगा। तुम बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नाचेगा, गाएगा, खुश होगा। वो सबको देखता है, तुझे रुकना नहीं, रुकना नहीं, घबराना कहीं, तेरी है जमीन, तू बढ़ता चल। तुझे रुकना नहीं, तुझे झुकना नहीं, घबराना कहीं, तेरी है जमीन, तू बढ़ता चल। तारों के हाथ पकड़ता चल, तू एक है प्यारे लाखों में, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। ये रात गई वो सुबह नहीं। Bye.